हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि आज आप लोग देख सकते हैं, मैं आ चुका हूँ अपने इस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में एक बार फिर से। और गाइस आज ना एक थोड़ा सा स्पेशल काम कर रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पसंद ना आए, लेकिन चॉप ने यार आज मेरे साथ नहीं खेलने वाला है, वो उसका एक रीजन है। ठीक है, मैंने चॉप को आज बोला है ना गाइस कि आज हम लोग वीडियो रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं, आज मैं बस अपने वर्ल्ड में ऐसे ही घूमने वाला हूँ, थोड़ा काम वगैरह करने वाले हैं और इधर उधर के गाँव में हम लोग एडवेंचर करने जाने वाले हैं। चॉप को नहीं पता, चॉप अपने घर में मस्त बैठा है। एक्चुअली मैंने गाइस चॉप कुछ दिन से कहीं दूसरे गांव में छुप छुप के जा रहा है और डेविड से मेरी बातचीत हुई है, तो फिर डेविड ने बोला कि भाई एक्चुअली में वो सही में किसी और गांव में जा रहा है और कुछ ना कुछ सीक्रेट काम करवा रहा है जिसके बारे में उसने अभी तक हम लोगों को नहीं बताया है। तो अभी हम लोग चल रहे डेविड के यहां और उससे पूछते हैं कि किस गांव में जा रहा है चॉप और क्या लोकेशन है उस गांव की, ताकि हम लोग भी चुपके से जा करके देख सके कि आखिर ऐसा क्या है जिसके पीछे चॉप यार पिछले एक दो वीक से नॉनस्टॉप जा रहा है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये रही डेविड की शॉप। मैं फटाफट इससे बात करता हूं और उसके बाद पता लगाते हैं। ऑलराइट गाइस, बातचीत यहां पर मेरी जो है डेविड कंप्लीट हो गई। और ये कौन सा पता नहीं अजीब सा गांव वाला है यार, हम लोग को परेशान कर रहा है, बात नहीं करने देता। ठीक है डेविड, थैंक यू भाई, तूने बहुत मदद की, अब मैं जो है यहां से निकलता हूं, तू भी अपना काम कर। ऑलराइट गाइस लेट्स गो, अभी अपन लोग के पास टाइम नहीं, हम लोग जल्दी से गियर अप कर रहे हैं और जिस गांव की लोकेशन मेरे को डेविड से मिली है ना, हम लोग वहां चलने वाले हैं। बाय द वे, जो लोग सोच रहे हैं कि क्या चॉप इस वर्ल्ड में ऑनलाइन है या फिर नहीं, चॉप अपने घर पे है, मैं आपको बाद में कोशिश करूंगा दिखाने का, और अभी फिलहाल के लिए मैं चलता हूं फटाफट से। और बाय द वे, जो लोग देख रहे हैं, हम लोगों ने एक और चेस्ट लगा दिया यार घर पे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सामान फुल हो चुका था भाई। और आप लोग देख सकते हो मेरे घर में ऑलरेडी जगह भी कम है। इस चेस्ट में हम लोग सिर्फ अपना आर्मर रखेंगे क्या, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है डायमंड का घर बनाने की वजह से भाई हम लोगों को जगह की कमी हो जाती है यार। और ये अनब्रेकिंग वाला मैं नहीं ले जा रहा इंचेंटेड पिकैक्स, क्योंकि फालतू का खराब हो जाएगा। और ये देखो कितने सारे डायमंड्स अपन लोग के पास। मैं काम करता हूं, यहां पर से थोड़ा सामान रख लेता हूं अपनी इन्वेंटरी में, क्या पता हम लोगों को रास्ते में भाई किसी को घूस वूस देना पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और बाय द वे ये देखो, मैं नॉर्मल वाला पिकैक्स भी बना सकता हूं यहां पे, क्योंकि यार पिकैक्स की जरूरत तो पड़ सकती है ना हमें, तो ऑब्वियसली हम लोग ये वाले ले लेंगे। एंड गाइस अब फाइनली हमारा यार पिकैक्स बन चुका है डायमंड वाला, तो फटाफट से ये जो बाकी का डायमंड है ना रख देते हैं। छोड़ो हटाओ, क्यों लेके चले यार, मर वर गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और चलो गाइस फटाफट से अपना आर्मर इक्विप करते हैं और चलते इस गांव में जहां पर यार चॉप बार बार जा रहा है, क्योंकि यार रिस्की हो सकता है। ठीक है, मतलब सर्च बता रहा हूं मैं, कुछ भी हो सकता है उस गांव में, हम लोग को अभी तक पता नहीं चला है, तो वेल क्यों ही रिस्क लेना भाई, शांति से निकलते हैं यहां पर। आप लोग देख सकते हो धीरे धीरे हमारा गांव यार बहुत ज्यादा बड़ा होते जा रहा है और मेरे को तो लगता है काफी मस्त हो जाएगा। और वो देखो चॉप का घर उधर राइट साइड में, आई थिंक वो यार आराम कर रहा होगा, हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर उसको पता चल गया ना कि मैं किसी और गांव में जा रहा हूं, तो फिर वो बोलेगा मेरे को भी ले जाओ और भाई फिर प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस। तो आई एम सो सॉरी जो लोग चॉप की वजह से ये वीडियो देखने आए थे, भाई चॉप इस वीडियो में नहीं आएगा। इस वीडियो में हम लोग उसका यार जो सीक्रेट जिसके पीछे वो काम कर रहा है वो एक्सप्लोर करने जा रहे हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो चॉप यार हम लोगों से छुपा रहा है और अपन लोग को बता भी नहीं रहा है। सो लेट्स गो, अब मैं सीधा आप लोगों से मिलता हूं उस गांव में पहुंच करके। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा सफर होने वाला है, मैं आप लोगों को यार फालतू का बोर नहीं करना चाहता, तो इसलिए फटाफट से चलते हैं। ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं इस गांव में। आप लोग देख सकते हो बहुत लंबा सफर था यार, चॉप भाई कैसे आता है इतना दूर डेली, मेरे को समझ नहीं आता। और ये रहा उस गांव का वॉच टावर, पता नहीं इस गांव का नाम क्या है, चॉप इस पे बार बार विजिट करता है। और देखो यार कितना बड़ा गांव है भाई, इनफैक्ट मैं तो ये भी बोलूंगा ना कि ये गांव हमारे गांव से भी बेटर है इंद्रप्रस्थ से, लेकिन आई थिंक ये वाला गांव ना आई चॉप जो है अपने घर के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, वो तो हम लोग को पता चलेगा, यहां पे थोड़ा तहकीकात करना होगा। डेविड ने भाई किसी तरीके से अपना इंटेल से यार इंफॉर्मेशन गैदर करके हम लोग को इतना बता दिया है कि भाई यहां पर जो है चॉप बार बार विजिट करता है, अब तुम अपना पता लगा लो क्या हो रहा है। और ये देखो यहाँ पे भाई, अभी ये क्या है, क्लेरिक क्या होता है भाई, मेरे को क्या पता, पता नहीं, आई थिंक ट्रेडर वेडर है। और वॉच टावर आपको तो पता ही यार, ऑब्वियसली ऐसा ही दिखता है, इसमें तो कुछ भी यार यहाँ पर जो है स्कैम ही नहीं लग रहा है या फिर कुछ फिशी नहीं लग रहा है। तो अपन लोग यहाँ पर से निकलते हैं। हटना भाई सामने से, मुंह पे क्यों खड़ा हो जाता है बार बार यार, ये भाई भाई फालतू का मार दूंगा मैं इसको, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बोलते रहेंगे कि यार दूसरे गांव वाले आके हम लोग को टकले पे मार के चले जाते हैं। चलो कोई नहीं गाइस, अभी यहाँ पर चलते। और ये देखो यार यहाँ पे तो भाई काफी ज्यादा अच्छा सिविलाइजेशन है, यहाँ के लोग यार थोड़े ज्यादा मेहनती है, हमारे गांव वाले तो बहुत आलसी है यार, कुछ काम नहीं करते, दिन भर हैं करते रहते हैं। ओके यहाँ पर हम लोग थोड़ा खाना पीना ले लेते हैं। यार इस गांव में आते के साथ मेरे को थोड़ा भूख वगैरह लगने लग गया है और मैं अपने गांव से यार खाना लाना भूल गया था, तो इसलिए हम लोग को जब भी भूख की जरूरत पड़ेगी हम लोग यहाँ आ जाएंगे। और एक एक करके भाई एक एक करके मेरे को सारे गांव के ना घर को जो चेक करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वहीं से हम लोगों को कोई सबूत मिलेगा कि आखिर चॉप किस चीज के पीछे है जो वो इस गांव में बार बार आता है। वैसे इस घर में तो मेरे को कुछ भी नया देखने को नहीं मिला, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी गाइस, अभी तक हम लोगों को ना कोई भी चीज पे शक नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं हर घर को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, हर घर को। ओके, ये भी एक नॉर्मल घर है। ओ भाई साहब यहाँ पे तो इंसान काटने की मशीन लगा के रखी है भाई, आई वंडर कि चॉप जब शिकार पे जाता होगा तो सारे पिगीज को पकड़ के उसी पे काटता होगा स्टोन कटर के अंदर, लेकिन यार चॉप उतना भी यार जल्लाद इंसान नहीं है। ऑलराइट गाइस लेट्स गो, आगे देखते क्या है। ओ भाई ये वाला घर भी बहुत ज्यादा यार मॉडर्न लग रहा है मेरे को। अरे सही है यार, चलो कोई नहीं। अबे इस घर में बेड क्यों नहीं होता, जितने भी स्टाइल के घर होते हैं ना गाइस, इनमें बेड ही नहीं होता, मेरे को समझ नहीं आता यार बंदे सो
सोते किधर इन घर में? चलो कोई नहीं, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है यार, कहीं भी सोए, इनका घर है। आई थिंक ये सारे गांव वाले ना यार एक दूसरे का बेड इस्तेमाल करते, कोई सुबह में सो गया उसी बेड पर, कोई शाम में सो गया, और जो बंदा सुबह में सोया वो शाम में जाग गया। एनीवेज गाइस ये देखो यहां पर ना बहुत ज्यादा यार जंगली जानवर भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कंपैरिजन में हमारे गांव में उतने ज्यादा नहीं रहते। एक दो गधे भी है यहां पर, ऊपर से चिकन वगैरह भी आप लोग देख सकते हो। ये देखो पिगीज भी है भाई, सच्ची बोल रहा हूं, हम लोगों के गांव के काफी दूर आपको जानवर मिलेंगे, लेकिन यहां पर एकदम गांव के बगल में ही है। गाइस आप लोग कमेंट करके बताना इस गांव का क्या नाम रखे, और इसको हम लोग चौप का गांव बोलेंगे, ठीक है? मतलब मेरा गांव तो ऑब्वियसली इंद्रप्रस्थ है, और हम दोनों का घर है ऑब्वियसली उस घर में, आई मीन उस गांव में, मैं क्या ही बोल रहा हूं यार। और इस गांव में भी मैं सोच रहा हूं अपना एक घर बनवा लूंगा, अगर चौप यहां पर यार मूव करने का सोच रहा है। लेकिन मैं किन चीजों में बिजी हो गया भाई, मेरे को तो खोजना था चौप का सीक्रेट। और ये देखो यहां पे सारे गांव वाले यार इस फाउंटेन के आसपास घूम रहे हैं भाई, कहीं इस फाउंटेन ही के पास तो कुछ लोचा नहीं है? एक बार मैं चेक कर लेता हूं इस घर के अंदर भी। ओके यहां पर तो नॉर्मल खाने पीने का सामान है, उसके बाद चलते हम लोग नीचे गाइस, और चलो देखते हैं यहां पर से उतरने का रास्ता है कि नहीं, नहीं तो मेरे को बहुत तगड़ा डैमेज हो जाएगा। एक सेकंड रुको यहां पर, ओ भाई ओ एक सेकंड रुको 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 यार, एक आइडिया है मेरे को, मैं गोलम से पूछता हूं कि गोलम को कोई आइडिया है क्या कि ये चॉप क्या कर रहा है। रुको यार हम लोग गोलम के पास चलते, गोलम भाई मार मार देगा, थोड़ा ध्यान से उसके पास जाना होगा नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले हम लोग जरा इस फाउंटेन वगैरह को भी देख लेते कि यहां पर हम लोग को कुछ मिलता है कि नहीं। वो नॉर्मल फाउंटेन लग रहा है यार, कोई लिवर उवर तो दिख नहीं रही मेरे को। गांव वाले भी देख रहे हो, सारे के सारे ट्रेडर है, लेदर वर्कर है, आई डोंट थिंक इन लोगों को कुछ पता होगा। ये देखो ये फार्मर है भाई, इसने तो वन पीस वाली टोपी लगा के रखी है भाई, पूरा लफी लग रहा है वो बंदा। चलो कोई बात नहीं हम लोग यहां से निकलते। अरे सर जी हटो ना, बार बार क्यों आ जाते हो? ये गाइस एक नॉर्मल सा आप लोगों को तो पता ही है वॉच टावर है, आई थिंक ये एक और वॉच टावर है भाई। कितने वॉच टावर बना के रखे इन गांव वालों ने यार, एक बार इसके ऊपर भी देख लेते। देखो गाइस अगर चॉप इस गांव में आ रहा है ना तो पक्का कुछ ना कुछ उसने सेटिंग की होगी जिसके बारे में हम लोगों को आइडिया नहीं है। आप लोग देख सकते हो ऊपर से कितना जबरदस्त व्यू है, और मैं पूरे गांव में तलाशी लेने वाला हूं, उसके बाद ही हम लोग निकलेंगे। हर शख्स से हर चीज से मैं पूछूंगा, पता लगाएंगे कि क्या है ऐसा जो चॉप हम लोगों से छुपा रहा है, और क्यों नहीं बता रहा है हमें कि क्या प्रॉब्लम है भाई जो वो अपन लोग को नहीं ला रहा है इस गांव में। भाई कुछ ना कुछ तो लोचा कर रहा है। अरे रात हो रही है, रुको 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 एक सेकंड, गोलम से पहले पूछ लेते हैं। हेलो सर जी कैसे हो, कैसे हो? अरे उधर क्यों मुंह दिखा रहे हो भाई? देखो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, चॉप कुछ करने आता है क्या? अबे मार दूंगा तेरे को, हिम्मत हिम्मत है तेरी? रुक भाई इसको बताए अभी मारते। अबे शिट, नहीं नहीं नहीं, एक घुसा लगा था भाई। अरे मार दूंगा क्या, अरे मार दूंगा क्या? गोलम भैया जी माफ कर दो प्लीज, फालतू का पंगा ले लिया। अरे यार तुमको सीक्रेट नहीं बताना, मत बताओ ना यार चॉप का पीछे क्यों पड़ गया मेरे। गाइस जल्दी भागो जल्दी भागो। ओ शिट, रुक 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 इस घर में घुस जाते। अबे यहां पे विलेजर सो रहा है, इसके ऐसी की तैसी उठना भाई। ओए हेलो सर जी उठ जाओ यार। अबे भाई क्या करूं मैं, क्या करूं? गाइस रुको ये उठ नहीं रहा, उठना उठना भाई उठना, मेरे को सोना है। अरे शिट यार ये उठ ही नहीं रहा, रुको गाइस हम लोग बाहर निकलते हैं। और गाइस यार अब सीधा मैं आप लोगों को सुबह में मिलता हूं, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, हम लोग को सोने भी जाना है। चलो इस घर में बेड देख के सो जाते हैं। ऑलराइट गाइस सुबह हो चुकी है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग दोबारा से आ चुके हैं वॉश टावर के ऊपर, ये देखने के लिए कि यहां पर हम लोगों को कुछ फिशी दिख रहा है या फिर नहीं। अभी लगता है मेरे को थोड़ा और यार यहां पे जांच पड़ताल करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को मिलता हूं, ठीक है? कुछ हम लोगों को आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मिलता है तब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑलराइट गाइस मैं इधर घूम रहा था, आप लोग देख सकते हो गांव से मैं ज्यादा दूर नहीं है, और मेरे को ये अजीब सी चीज दिख रही है यार, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि यार यहां पे कुछ ना कुछ तो लोचा है। तो इसलिए हम लोग यहां पर चलते हैं अपनी डायमंड की पिकैक्स से ना यहां पे थोड़ा माइनिंग करते हैं। और आप लोग देख सकते हो यहां कुछ ना कुछ तो लोचा है भाई, मतलब ऐसा यार यहां पे कोई ग्रास ब्लॉक नहीं लगाता है, ऐसा लग रहा है कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। रुको रुको खोदो, सब कुछ खोदो यार, देखो क्या है अंदर में। ओए ओ शिट, नो वे नो वे गाइस, आप लोग देख सकते हो। अरे भाई इससे तो ये चॉप का बेस है क्या? अरे भाई साहब ये क्या बना दिया इसने? ओबे यही है क्या वो सीक्रेट चीज जिसके ऊपर चॉप यार 2-3 वीक से काम कर रहा था? भाई क्या आलिशान घर है बे इसका, अंडरग्राउंड खोद खोद के इस कुत्ते ने भाई क्या घर बना दिया यार, मतलब गुफा के अंदर आप लोग देख सकते हो भाई इसने अपने छोटे छोटे पंजों से खोद खोद के क्या ही जबरदस्त बना दिया। देख रहे हो क्या लाइफ जी रहा है यार ये बंदा, ब्लास्ट फर्नेस वगैरह इसके पास भाई, चेस्ट का खजाना है देख रहे हो भाई। ओ अभी तो ऐसे सारे चेस्ट खाली है, आई डाउट इसने कुछ किया होगा, बट भाई फिर भी यार क्या ही सही घर है भाई, मैं ले लूं क्या ये घर? गाइस आप लोग ना इस वीडियो पे 50,000 लाइक्स का एम रख रहा हूं, कर दो और मैं इसके घर में ना पूरा लावा भर दूंगा, और अपन लोग चॉप को ट्रोल करेंगे बहुत बुरे वाला। और भाई ये क्या ही बना दिया इसने, ओ माय गॉड आई कांट बिलीव कि चॉप का यार अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस है, वो भी अपन लोग के गांव में नहीं दूसरे गांव में। ये देखो विलेज भी भाई, ये फार्म बना के रखा है इसने, एनिमल फार्मिंग करवा रहा है ये गुफाओं में भाई। अरे चिकन विकन पाल ली भाई इस बंदे ने यार, शिट मैन मैंने जितना चॉप को अंडर एस्टिमेट किया था ना गाइस, चॉप उससे ज्यादा प्रो निकला। और आप लोग देख सकते हो काफी ज्यादा ऑसम लुक मिल रहा है यार यहाँ पर इसका, देख रहे हो कोल वगैरह भी है भाई, क्या ही है ये इंचेंटिंग यार, रूम वगैरह बना दिया, प्रेशर प्लेट्स भी है, पता नहीं इनसे कुछ होता है कि नहीं भाई। ये बैरल क्यों लगा दिया इसने भाई पेड़ के नीचे, पता नहीं डिजाइन देने की कोशिश कर रहा था क्या, आई डोंट नो। आप लोग देख सकते हो जमीन पर आयरन सामने एंड
नेदर पोर्टल। भाई रुको रुको, इस पूरे के पूरे बेस को ना गाइस मेरे को अच्छे से एक्सप्लोर करना होगा। हो सकता है कि यार ये बंदा हम लोगों से और भी बहुत सारी चीजें छुपा रहा हो जिसके बारे में हम लोगों को आइडिया नहीं हो। पहले चलते अभी ऊपर वाले फ्लोर पे और पता लगाते कि यहाँ पर क्या है ऐसा। अभी ये देखो यार ब्रिज है भाई। अबे इस किसके घर में ब्रिज होती है यार? इस बंदे ने अपने घर के अंदर ब्रिज बना दिया, सोच रहे हो? अबे ये एंट्रेंस है क्या? एक सेकंड, ओ भाई ये है असली एंट्रेंस गाइस। मैं उधर से घुस गया, बताओ इतना सीक्रेट एंट्रेंस बनाया है ना, अगर आप एकदम एग्जैक्टली यहाँ नहीं आओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ओ मैन, चौप के पास तो यार 1000 IQ वाला बिग ब्रेन है, उसको तो मैंने भाई बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया यार। वो कुत्ता तो भाई इंसानों से ज्यादा आगे निकल गया। ओ ब्रो अब तो हम लोगों को कुछ करना होगा उसके अगेंस्ट। ये देखो चेस्ट भी है यहाँ पर एंड आई डाउट कि इसके अंदर, ओए अबे मेरे डायमंड्स चुरा रहा है ये बंदा। भाई ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को? आई डोंट नो ये मेरे डायमंड्स है या चॉप ये खुद लाया है, लेकिन मेरे को ऐसा शक हो रहा है कि भाई मेरे को ना जो डेविड डायमंड्स देता है घर बनाने के लिए, भाई ये वो ये यूज कर रहा है भाई। चलो कोई नहीं, हम लोग ये डायमंड्स अपने साथ वापस ले जाएंगे, उसको जब पता चलेगा तो बहुत बुरा ट्रोल होगा। और गाइस आई स्टिल कांट बिलीव इट, लेकिन ये बंदा सही में इतना मस्त घर बना रहा है। और देख रहे हो इसका नेदर पोर्टल कितना ऑसम है ब्रो, इतना ऑसम नेदर पोर्टल तो मेरा नहीं है भाई, स्टाइल में बनाया है इसने नेदर पोर्टल को भी। मतलब यार स्वैगस्टर एक नंबर का चॉप। चलो अंदर चलते हैं नेदर वर्ल्ड में, क्योंकि मैं अभी तक आप लोगों को पता नेदर वर्ल्ड में नहीं गया हूं। और ओ माय गॉड व्हाट द हेल इज दिस मैन यार, नेदर वर्ल्ड में भी चला गया चॉप हमारे बिना यार। आई डोंट नो वो गया है कि नहीं, या सिर्फ उसने नेदर पोर्टल रेडी रखी है मेरे लिए कि जब उसको अपन लोग उसके साथ इस बेस में मूव करेंगे तब। भाई मेरे से क्यों सीक्रेट रखा उसने इस घर के बारे में? इतना जबरदस्त घर तो है, मतलब बता देता यार, हम दोनों साथ में पार्टी करते इधर। लेकिन गाइस चॉप ने मेरे से एक सीक्रेट रखा ना, अब मैं भी एक सीक्रेट बेस बनाऊंगा और उसके बाद हम लोग भी उसको चॉप से सीक्रेट रखेंगे, उसको बताएंगे नहीं। बस आप लोग मेरे को इस गांव का नाम कमेंट सेक्शन करके, कमेंट सेक्शन क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, ठीक है? मैं इतना एक्साइटेड हूं, मेरे मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे। और यार आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना ही, हम लोग को बहुत मजा आया यार, आज कुछ नया देखने को मिला भाई, कुछ रिफ्रेशिंग। मतलब सही में यार चॉप जितना सोचा था उससे ज्यादा बड़ा दिमाग वाला निकला गाइस। मेरी उम्मीदों को ना यार उसने पूरा पानी फेर दिया मेरी उम्मीदों पे। चलो उसको आपसे चोमू नहीं बोलेंगे। एनीवेज गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड हाँ मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर एंड स्टे फ्रॉस्टी।